साथियों, मैं संजीव पांडे सहज यात्रा से बोल रहा हूँ और आज मैं आप लोगों से पापुआ न्यू गिनी के बारे में बात करूंगा। पापुआ नया गिनी ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह ऑस्ट्रेलिया की मुख्य भूमि से उस समय अलग हुआ जब इस क्षेत्र को, जिसे अब टारेंस जल डमरू के नाम से जाना जाता है, पिछले हिमयुग के बाद आई बाढ़ में पानी से भर दिया। पापुआ नाम एक लंबे समय से इस द्वीप के साथ संबंध रहा। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर बहुत ही ट्रेंडिंग में हैं, क्योंकि हमारी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी, उसकी बात ही अलग है। हमारा रिलेशन बहुत अच्छा बिल्डअप हो रहा है। तो मैं संजीव पांडे सहज यात्रा से आज हमने प्लान किया क्यों ना कुछ पापुआ न्यू गिनी के बारे में बात करें और वो आप लोगों को शेयर करें। पापुआ न्यू गिनी है क्या, कहां पर है, कैसे यहां जा सकते हैं, इसके बारे में तमाम जानकारी हम आपको सहज यात्रा चैनल के माध्यम से देंगे। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो हम थोड़ा सा संक्षिप्त में परिचय देंगे, फिर टॉप 10 पॉइंट क्या है विजिट के लिए वो बताएंगे, इसके बाद कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। तो लाइन पे बने रहिएगा, डिटेल में जानिएगा, इंटरटेनिंग है, बहुत अच्छा है। अगर आप घूमना चाहते हैं जा सकते हैं, बहुत अच्छा है। पैकेज लेना चाहते हैं आप हमसे इंक्वायरी कर सकते हैं, पूरा सपोर्ट देंगे। तो साथियों, समय को देखते हुए शुरू करते हैं। न्यू गिनी दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में यह संसार का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ऑस्ट्रेलिया से आराफरा सागर, टारेंस जल डमरू और प्रवाल सागर कोरल सी द्वारा अलग है। उत्तर से दक्षिण पूर्व तक इसकी लंबाई 1500 मील था तथा अधिकतम चौड़ाई 400 मील है। राजनीतिक दृष्टि से यह द्वीप इस समय दो भागों में विभक्त है, पैपुआ क्षेत्र एवं डच न्यू गिनी। पैपुआ क्षेत्र के बारे में हम आपको थोड़ा सा बताएंगे। न्यू गिनी के दक्षिण पूर्वी भाग को पैपुआ कहते हैं, इसे ब्रिटिश गिनी के नाम से भी जाना जाता है। अब यह ऑस्ट्रेलिया के अधिकतर में उष्ण नाम जलवायु क्षेत्र में यह स्थित है। प्रदेश की प्रमुख संपत्ति कठोर लकड़ी के वन है। इस प्रदेश की प्रमुख उपज नारियल, रबर, कॉफी आदि हैं। यह कास्ट एवं मत्स्य व्यवसाय प्रमुख हैं। सोना यहाँ अधिक मिलता है। साथियों, सोना बहुत मिलता है, सोना हिंदुस्तानियों को बहुत ज्यादा पसंद है। नहीं ना कहने मतलब सोना नहीं, सोना पहनने वाला गोल्ड, गोल्ड बहुत पसंद है। प्राचीन काल में यहाँ ताबा, चांदी एवं जस्ता भी मिलता था। नौका बनाना, लकड़ी का सामान, इमारती सामान बनाना यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। इस प्रदेश की जनसंख्या 84% आदिवासी है एवं शेष अन्य देशों के लोग हैं। इसका क्षेत्रफल 90,540 वर्ग मील है। पोर्ट मोरजी यहाँ की राजधानी है। अब डच न्यू गिनी के बारे में बात करेंगे। पहले यह हाईलैंड के अधिकार में था, किंतु अब यह हिंदेशिया के अंतर्गत है। इसका क्षेत्रफल सभी छोटे छोटे द्वीपों को मिलाकर 151,789 वर्ग मील है। हाईलैंडिया यहाँ की राजधानी है। यह भाग समस्त न्यू गिनी के आधे क्षेत्र में फैला है। उत्तर में यह मैदान तथा दक्षिण में पहाड़ी है। किनारे पहाड़ी तथा कहीं कहीं दलदली है। यहाँ शकरकंद, गन्ना, पपीता, तंबाकू आसानी से उगाए लिए जाते हैं। यहाँ के निवासी जंगली हैं। मोराइको नदी पर मोराइको नगर केवल कुछ अधिक उन्नति कर पाया है। यहाँ डच लोगों की बस्तियां हैं। फाक फाक भी डच लोगों की एक प्रसिद्ध बस्ती है। यहाँ अच्छी भूमि के कारण उन्नति की संभावनाएं हैं अधिक है। जापान द्वीप से भी इसका व्यापार बढ़ रहा है। इस द्वीप की आकृति, आसमान तथा तट ऊंचे हैं। पश्चिमी भाग में एवं टारेंस जल डमरू के समीप तटवर्ती क्षेत्र दलदली एवं घने जंगलों से ढके हुए। ऑस्ट्रेलिया द्वारा अधिकृत भाग पैपुआ के दक्षिण पूर्व में विस्तृत ओयन स्टैनली वर्तमान पर्वतमाला है, जिसका उच्चतम शिखर 13,240 फुट है। दक्षिण पश्चिम में विजमार्क पर्वत, जिसकी सर्वोच्च चोटी माउंट विल्हेलिमा 15,548 फुट है, यह डच न्यू गिनी में है। ऊंचे पर्वत द्वीप के मध्य में हिम पर्वतों की तीन ऊंची चोटियां हैं। कार्स्टेंच 16,400 फुट, इडनबर्ग 15,848 फुट,
विल्हेलीमा 15,584 फुट है। इस द्वीप की मुख्य नदियां मांबा, दिगुल, सौपिक, माकेम, पुरारी तथा फ्लाई है। मुख्य आवासीय क्षेत्र साल भर ताप 21 सेंटीग्रेड से 32 डिग्री तक रहता है तथा आर्द्रता का अंतर भी 70 से 90 प्रतिशत तक होता है। वर्षा का औसतम पश्चिम में 100 इंच, यहाँ के कुछ ही भागों में 60 इंच से कम वर्षा होती है। कंगारू यहाँ का मुख्य पशु है। पालतू हरिण, कुत्ते, सुअर तथा विचित्र प्रकार की उड़ान लोमड़ी, एक प्रकार का उड़ने वाला चमगादड़ भी यहाँ पाया जाता है। इसके पंख 3 फुट लंबे तथा पक्षियों से पैराडाइज बर्ड मुख्य आर्थिक महत्व के वृक्षों में सागुदाना, चंदन, नारियल, केला और बांस की न्यू गिरी लगभग आधा भाग जंगलों से ढका हुआ है, जिसमें मुख्यतः पटाल कास्ट, रोड बुट, देवदार, अखरोट, सेटिन, एस मिल तमाम वृक्ष पाए जाते हैं। बहुत अच्छा जंगली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, सब मिक्सअप है। टूरिस्ट के लिए झरना भी है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो आप आगे बनेंगे, लाइन पे बने रहिए, देखते रहिए। वीडियो लंबी होगी लेकिन आज आपको मैं पूरा एक ऐसे देश के बारे में जो भारत का बहुत करीबी, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति डेडिकेटेड ऐसे देश के बारे में बात कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, पापुआ न्यू गिनी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जैक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मोरसबी इंटरनेशनल कोड POM हैज द कैपेसिटीज होस्टिंग। आप फ्लाइट लेना चाहते हैं वाया मलेशिया जा सकते हैं, मोस्टली फ्लाइटें सिंगापुर, वाया सिंगापुर होके जाती हैं, इंडोनेशिया से भी कनेक्टेड है एयरपोर्ट से, तो आप ऑस्ट्रेलिया से भी जा सकते हैं, जहां से हम आपको अच्छे से घुमा सके वहां से पापुआ न्यू गिनी जाइए। अब आपके लिए कितना अच्छा है पापुआ न्यू गिनी घूमने के लिए ये सब भी बताएंगे, खतरनाक है कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, सारी चीजें जानेंगे आप इस वीडियो में। तो कंटिन्यू करते हैं। न्यू गिनी के मोरोगो क्षेत्र में सोने के पर्याप्त निक्षेप है। सोने की खोज ही के ही साथ प्लेटिनियम, आस्मिरिडियम, टीन, ताबा, लोहा, मैगजीनाथ का पता लगाया गया। डच न्यू गिनी में सौरांग आसपास तेल की भी पता चला। अपने दैनिक उपयोग के लिए यहाँ लोग मछलियाँ भी पकड़ते हैं, मारते हैं, तलते हैं, फ्राई करते हैं, खाते हैं, और आदिवासी तो है ही हैं, जंगल में रहते हैं। इस तरह यात्रियों के लिए पापुआ न्यू गिनी घूमने की, अब साथियों में पापुआ न्यू गिनी घूमने के टॉप 10 के लिए मेन पॉइंट पे आ रहे हैं, तो लाइन पे बने रहिएगा, एंजॉय करिएगा। पापुआ न्यू गिनी में ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट से दूर एक विदेशी द्वीप है। थोड़ा सा फिर से हम रिमाइंड करके चल रहे हैं, इंडोनेशिया के साथ साझा करता है अपनी सीमा रेखा। मेलेनेशिया के क्षेत्र में कई अपतटीय द्वीपों को शामिल करना, देश एक समृद्ध जनजाति संस्कृति के घर है, जो यहाँ पर साथियों 800 से ज्यादा अधिक भाषाएं बोली जाती हैं और कई जनजातियों को समाहित करता है। पापुआ न्यू गिनी की आकर्षक संस्कृति पापुआ न्यू गिनी में यात्रा करने के लिए कई स्थानों में सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित होती हैं और दुनिया भर के पर्यटक के साथ लोकप्रिय हैं। इन स्थानों के अलावा इसके समुद्र तट भी प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वे दुनिया को परेशानियों से स्वर्ग का वैराग्य दिखा, दुनिया की परेशानियों से स्वर्ग का वैराग्य कराते हैं। साथियों समझिएगा, दुनिया के परेशानियों से स्वर्ग का वैराग्य कराते हैं। मैं आपको जो स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूं उसको लाइव भी करूंगा, आप खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो साथियों बने रहिए। पापुआ न्यू गिनी में जाने के लिए शीर्ष स्थान पापुआ न्यू गिनी का हाईलैंड्स, बंदरगाहों और द्वीपों में खोजने और तलाशने के लिए बहुत सी चीजें हैं और यहां सबसे अच्छे लोग की सूची है। टॉप 10 प्लेस, राष्ट्रीय संग्रहालय और आर्ट गैलरी नंबर 1। नंबर 2, वरीयता राष्ट्रीय उद्यान, वर्षावन आवास, संसद भवन, तारी बेसिन, जेके मैकार्थी संग्रहालय, ज्वालामुखी वैधशाला, मुस्चू द्वीप, पोर्ट मोरबी नेचर पार्क, लावार सेमेस्ट्री। राष्ट्रीय संग्रहालय से हम शुरू करते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय, यदि आप सोच रहे हैं कि पापुआ न्यू गिनी में क्या देखना है, तो इंद्रधनुषी आदिवासी और स्वदेशी संस्कृति को दर्शाता है, तो आप संग्रहालय आपकी सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पापुआ न्यू गिनी में घूमने के लिए एक आवश्यक स्थानों में से एक है। प्रदर्शन और विषयों द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, इसमें लोगों की संगति, वाद्य यंत्र, अनेक मुखौटे और वेशभूषा, उनके डोंगी, अन्य समुद्री उपकरणों का अनुराग होता है। आप सोपिक के प्रसिद्ध टोटेम पोल और खोपड़ी के रैंक भी देख सकते हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से अगीबा कहा जाता है। जगह मोट मोरेस्वी न्यू गिनी। समय 9 बजे से आप 3 बजे तक जा सकते हैं।
इसका प्रवेश शुल्क है 2100 रुपये, भारतीय INR में 2100 रुपये है, बाकी आप डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वरीरता राष्ट्रीय उद्यान, देश के अधिकांश पर्यटन मोट मोरब्बी की राजधानी शहर से शुरू होते हैं। वरीरता राष्ट्रीय उद्यान न केवल प्रकृति पक्षी देखने वाले उत्साही लोगों के लिए बल्कि शहर और समुद्र देखने के लिए एक सुविधाजनक बिंदु के रूप में भी महान है। आप यहाँ स्वर्ग के पक्षियों को देख सकते हैं, लेकिन यदि आप इन्हें देखने का मौका देना चाहते हैं तो आप जल्दी पहुंचना चाहिए। स्थान पोर्ट मोरेस्बी 36 किलोमीटर, प्रवेश शुल्क 100 रुपीज INR। वर्षावन आवास, यह प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित है। यह 11 मीटर ऊंची चंदवा के साथ पुनर्निर्मित वर्षावन के तथा विभिन्न प्रकार के स्थानीय वनस्पतियों और जीवन का घर है। जबकि अधिकांश लोग पापुआ न्यूगिनी में कैसोवरी पेड़ कंगारू या स्वर्ग की पक्षी देखने आते हैं। खारे पानी का मगरमच्छ एग्रो रेना फॉरेस्ट हैबिटेट का आकर्षण। यदि आप मगरमच्छ का प्रशंसक हैं तो यहाँ पापुआ न्यूगिनी घूमने की जगह में से एक है। स्थानीय लाई, समय सुबह विजिट करने का 8 बजे से 4 बजे तक है। एंट्री फीस वयस्क के लिए 200 रुपये है और बच्चों के लिए 100 रुपीज है। संसद भवन, पापुआ न्यूगिनी के संसद स्थानीय लोगों के भवन निर्माण शैलियों और पापुआ न्यूगिनी पर्यटन का एक गहना है। मुख्य भवन सेम्पिक या प्रेमिक हौसल ताम्रंग फैशन में बनाया गया है, जबकि संलग्न कैफे एवं गोलाकार इमारत है जो हाईलैंड्स के लोकाचार के अधिक दर्शाती है। इमारत के अंदर अन्य मार्कर हैं जो देश की व्यापक संस्कृति विरासत को दर्शाती है। लंबी के दरवाजे मूल रूप से छोटे हैं, आकार के कुंडू हैं जो कि समारोह उपयोग के लिए पारंपरिक ड्रम है। स्थान मोगनी क्रेस्ट पोर्ट मोरेस्बी, सुबह 9 बजे से 3 बजे के बीच में आप जा सकते हैं। तारी बेसिन, डेविड एटनबरो की एटनबरो इन पैराडाइज 1996 में तारी बेसिन और गैप के को पक्षी देखने वालों और उत्साही लोगों को रडार पर डाला दिया। 1700-2800 मीटर के बीच फैले इस बर्ड रिजर्व में कई अलग आवास हैं और इसलिए पक्षियों का एक चमकदार सरणी है। दुनिया के एकमात्र स्थानीय जहां पर आज जुलाई और सितंबर बीच सैक्सनी और राजा या स्वर्ग के नीले पक्षी को देख सकते हैं। यह प्राकृतिक अभयारण्य पापुआ न्यूगिनी में घूमने के लिए सबसे आश्चर्यजनक स्थानों में से एक है। स्थान दक्षिणी हाईलैंड्स, जेके मेका कर्थी संग्रहालय। संग्रहालय का नाम एक ऑस्ट्रेलियाई गश्ती अधिकारी के नाम पर रखा गया है जो पापुआ न्यूगिनी में तैनात था और पापुआ न्यूगिनी में देखने के लिए सबसे पहचान योग्य देश चीजों में से एक है। संग्रहालय में यहाँ विभिन्न जनजातियों के मिट्टी के बर्तन, आभूषण, संगीत वाद्य यंत्र, व्यापक संग्रह, अंगुलियों के हार से युक्त अंग, शोक आभूषण यहाँ देखे जा सकते हैं। 1933 में लीही द्वारा ली गई तस्वीरों का एक दुर्लभ संग्रह भी है। स्थान गोरेका, सुबह 8 बजे से 4 बजे के बीच में आप विजिट कर सकते हैं और प्रवेश शुल्क यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग डोनेशन दे सकते हैं, जो भी देना हो कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग विजिटिंग है। ज्वालामुखी वैधशाला, पापुआ न्यूगिनी क्षेत्र के अन्य देशों की तरह व्यापक भूकंपी और ज्वालामुखी गतिविधियां देखता है। रबौल ज्वालामुखी वैधशाला की स्थापना 1937 में रबौल ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद की गई थी। इसका उपयोग देश भर में 3 चापों में फैले 14 सक्रिय 23 लुप्त सुप्त ज्वालामुखियों की गतिविधियों की निगरानी के लिए किया जाता है। यह पापुआ न्यूगिनी के दर्शनीय स्थलों को यात्रा का एक लोकप्रिय पड़ाव भी है। वैधशाला दृश्य बिल्कुल आश्चर्यजनक है और आप ज्वालामुखी खाड़ी के सूक्ष्म झटके महसूस करते हुए देख सकते हैं। स्थानीय रूप से गुरिया कहा जाता है। स्थान रबौल, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक, सप्ताह में एक दिन, सुबह 8 से 11 बजे तक सप्ताह में। मुस्यू द्वीप, मस्कू का आकर्षण द्वीप विभाग के तट से कुछ ही दूर, अक्सर पापुआ न्यूगिनी के पर्यटन आकर्षणों की सूची में नहीं आता है। यहाँ सिर्फ B&B है जो एक स्थानीय परिवार द्वारा चलाया जाता है। समुद्र तट के किनारे का बंगला समुद्र, काले समुद्र तट के सुंदर दृश्य प्रदान करता है जो मुस्यू का हस्ताक्षर है। स्विमिंग होल, जंगल, समुद्र तट, समुद्र एक बहुत ही आरामदायक तस्वीर पेश करते हैं। आपको पूरे सप्ताह के लिए यहां आने पर विचार करना होगा। स्थान वेवाक से 15 मिनट की स्पीड पर है, मतलब दूरी पे है, स्पीड बोट से जाना पड़ता है, 15 मिनट की दूरी है वहाँ पर। ठहरने की लागत 8000 रुपये। साथियों मैं बताना चाहूँगा पापुआ न्यूगिनी में सबसे ज़्यादा महंगा होटल मिलता है,
मिनिमम नाइट स्टे 15,000 रुपये पर नाइट का बजट आपका होना चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। फ्लाइट का फेयर भी बहुत महंगा मिलेगा, और अगर आप कंपटीशन करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, तो बहुत कम ही लोग इंडिया में टूर कराते हैं, और इसलिए आप टूर सुरक्षित और जिम्मेदारी ढंग से प्लान करें, ट्रैवल एजेंट से अच्छे से बात करें और अच्छी जानकारी दें, जिससे वो आपका पैकेज अच्छे से बना के दें और आपको पूरा सपोर्ट दें। और फिर हम नौवां पोर्ट मोरेस्बी नेचर पार्क चलते हैं, एक अन्य प्राकृतिक रिजर्व या पोर्ट मोरेस्बी का आसपास पापुआ न्यू गिनी विश्वविद्यालय द्वारा बनाया रखा जाता है। पापुआ न्यू गिनी और पोर्ट मोरेस्बी शहर में देखने के लिए शांत शांत स्थानों में से एक है। प्राकृतिक संरक्षण में लगभग 2 किमी के रास्ते पूरे पार्क में फैले हुए हैं, जो यहाँ बनाए गए वर्षा वनों की छतरियों से अंदर है। बाहर जाते हैं आप अक्सर देश के प्रसिद्ध वन जीवों को यहाँ देखते हैं। वृक्ष कंगारू यहाँ एक आम दृश्य है। सुबह 8 बजे से 4 बजे, जैसा कि मैं हर जगह बताने जा रहा हूँ, सुबह 8 बजे से 4 बजे तक विजिटिंग, यहाँ पर आपको शुल्क देना पड़ेगा 300 रुपया लगभग, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, बदल भी सकता है। अब हम पापुआ न्यू गिनी के द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक सक्रिय थिएटर तथा ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के याद में आज भी लाई में युद्ध कब्रिस्तान का रखरखाव किया है, जिन्होंने संघर्ष के दौरान यहां अपनी जान गंवाई थी। उदास क्षेत्र इस क्षेत्र के हाल के इतिहास का एक शांत मार्कर है। यहां भारतीय और न्यूजीलैंड के सैनिकों के निशान भी हैं। आधुनिक पापुआ न्यू गिनी की रुचि की बिंदुओं में से एक है। हमारे भारत के भी सैनिक वहाँ शहीद हुए थे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो वो एक प्रेरणा स्रोत, शहीदों का स्थान है, वहाँ आप जा सकते हैं, उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। 10वां जो कि अंतिम है, लावार कब्रिस्तान। पापुआ न्यू गिनी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जैसा कि मैंने पहले बताया था, एक सक्रिय थिएटर था। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों के याद में आज भी युद्ध के कब्रिस्तान रखरखाव के लिए बनाया। पापुआ न्यू गिनी बल्कि दूरस्थ द्वीप, दिलचस्प प्रकृतियों, स्थापित ऐतिहासिक क्षेत्र में से भरे हुए हैं। न्यू गिनी घूमने की जगहों आपको अच्छी शुरुआत प्रदान करती है। चाहिए आसानी से पापुआ न्यू गिनी की सवारी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा योजना बनाना शुरू करें, अब तक की सबसे अच्छी छुट्टी लें। आविष्करण ट्रैवल ट्रिक, आविष्करण ब्लैक साइट पर चित्रित छवियां कोई क्रेडिट नहीं होने का दावा करता है, अन्यथा साथियों मैं आपको संभवतः हमने मूल स्रोतों से वापस लेने के प्रयास से, यदि आपके किसी भी चित्र अधिकार रखते हैं, जो भी मैंने जानकारी कलेक्ट किया है वो कहीं से ऑनलाइन के माध्यम से, नेट के माध्यम से, ये सारी जानकारी कलेक्ट करके मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। साथियों ये हम वर्बली आपसे डिस्कस कर रहे हैं, और आप अगर टूर प्लान करते हैं, जाना चाहते हैं, और क्या समस्याएं आती हैं, कुछ क्वेश्चंस इसमें आपको हम बताएंगे, फिर उसका आंसर भी देंगे। पापुआ न्यू गिनी घूमने की जगह के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, क्या यह पापुआ न्यू गिनी खतरनाक है, क्या टूरिस्ट के पर्पज से पापुआ न्यू गिनी घूमने के लिए खतरनाक है। सच कहा जाए पापुआ न्यू गिनी एक हिंसक अपराधों, सशस्त्र डकैती, कारजैकिंग और मानव हमलों के लिए कुख्यात है, क्योंकि यहाँ एक गरीब देश है। पापुआ न्यू गिनी में यात्रियों को देश में अपने समय के दौरान गंभीर खतरों से अवगत कराया जाएगा। आप टूर कर रहे हैं तो आपको सावधानी से करना होगा टूर, वहाँ के स्थानीय प्रशासन की मदद से आपको सारे साइट सीन करना, सेफ्टी नियम रूल्स को सभी फॉलो करना है, तभी आप घूम सकते हैं, क्योंकि जहाँ बेरोजगारी ज़्यादा होती है वहाँ अपराध होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये कोई भी हो, बहुत, लेकिन देश बहुत खूबसूरत है, वहाँ का सिस्टम बहुत सुंदर है, और वहाँ के लोग भी धीरे धीरे एक बदलाव ला रहे हैं, जिससे टूरिज्म आने वाले समय में टूरिज्म बहुत अच्छा हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी का। पापुआ न्यू गिनी कब जाना चाहिए? पापुआ न्यू गिनी में छुट्टी बिताने के लिए मई अक्टूबर सबसे अच्छा समय है, क्योंकि मौसम शुष्क और सुहावना होता है, और वह समय भी जब द्वीप में अधिकांश त्यौहार होते हैं। नवंबर अप्रैल से हर कीमत पर बचें, क्योंकि नवंबर से अप्रैल के बीच में आप नहीं जाएं, क्योंकि इस महीने के दौरान यहाँ गर्म भरी उमस रहती है। पापुआ न्यू गिनी महंगा है? हाँ, पापुआ न्यू गिनी बहुत ही महंगा हो सकता है, क्योंकि एक होटल के लिए प्रति टैरिफ $150 होटल पर डे की बुनियादी ढांचे में, मतलब वहाँ पर अभी सुविधाएं, उस तरह लग्जरी सुविधाएं बहुत कम हैं, इसलिए जो भी होटल हैं वो बहुत महंगे हैं, तो ये आप बजट के ऊपर है।
आप पापुआ में सुरक्षित हैं। पश्चिम पापुआ एक गरीब देश है जिसमें बुनियादी ढांचे सुविधाओं की कमी है, यहाँ लोग घोर गरीबी जीवन यापन करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में अपराध और हिंसा अधिक है। आप सुरक्षित हैं लेकिन स्थानीय प्रशासन की मदद से घूमिए, वहाँ के सरकार के द्वारा जो भी सुरक्षा मुहैया कराए उसके अकॉर्डिंग टहलिए और गलत तरीके से मत टहलिए। आप सुरक्षित हैं, आप अपनी सेफ्टी की जिम्मेदारी लेके खुद टहलिए और नियम कानून का पालन करिए तो आप पूरा टूर बहुत अच्छे आराम से घूम सकते हैं। क्या मुझे पापुआ न्यू गिनी के लिए वीजा चाहिए? जी हाँ, आपके लिए पीएनजी अधिकारियों ने पापुआ न्यू गिनी के लिए वीजा प्राप्त करने की आवश्यकता है जब तक आप उन देशों में से एक नहीं है जिनके लिए वीजा ऑन अराइवल लागू है। पापुआ न्यू गिनी यात्रा के लिए भारतीयों को वीजा की आवश्यकता होती है। आप वीजा लीजिए, वीजा ऑनलाइन ले सकते हैं, हम लोग से वीजा करा सकते हैं, फ्लाइट बुक करना है, सब कुछ करा सकते हैं, आप अच्छा खासा टूर भी बनवा सकते हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सारा डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, आप समझ गए होंगे और खूबसूरत देश घूमने के लिए तैयार भी हो गए होंगे क्योंकि बहुत ही अच्छा देश है। तो फिर चलते हैं,